अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी क्या क्या कहेंगे? माशाल्लाह, एक तो प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है, टॉपिक जो है बहुत ही जबरदस्त है म्यूजिक के हवाले से। जी जी और आज जो ये बात बार बार सुनने में आ रही है कि वो आलात मौसीकी क्योंकि फुसाक को फुजार का तरीका, इसलिए उस पर अगर तरन्नुम के साथ पढ़ा जाएगा तो वो जायज नहीं होगा। आजकल एक चीज और भी राइज है, इसे कहते हैं बीट बॉक्सिंग, BEAT बीट बॉक्सिंग। इसमें होता ये है कि लोग मुंह से ऐसी आवाज निकालते हैं जैसे ड्रम बज रहा है, पियानो बज रहा है, और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे ड्रम और पियानो और पूरा ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, सिर्फ मुंह से कर रहा है और उसमें वो गाना भी गा रहा है और इतनी महारत से करते हैं। और आजकल नौजवानों में ये चीज बहुत ज्यादा है, बढ़ती जा रही है, तो इसका फिर क्या हुक्म होगा? क्योंकि आलात मौसीकी तो नहीं है लेकिन टोन उसी तरह की बन गई मुंह से, तो अगर इस पे अजर रोशनी फरमा दें। जी जी बाकी वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया है और बरमौका किया आपने ये सवाल कि मुंह के जरिए से ही वो आलात मौसीकी की आवाज निकालता है, तो क्या इसकी गुंजाइश इजाजत है? बिल्कुल इजाजत नहीं है। क्यों? इसलिए कि मुंह के जरिए से जब वो आवाज निकालता है तो यूं समझे कि मुंह उसके आला मौसीकी बन गया, वो ममनू जो आला मौसीकी था वो उसका मुंह वो आला मौसीकी बन गया। क्योंकि आला मौसीकी खास उसकी जो हैयत है कजाई जरूरी नहीं है। आज कंप्यूटर के जरिए से वो आवाज निकलती है, उसके अंदर तो हारमोनियम नहीं पड़ा उसके अंदर, लेकिन हारमोनियम की आवाज कंप्यूटर से निकल रही है और उसकी थाल की ताल के ऊपर जो है गाना गाया जा रहा है, तो हम ये कहेंगे ये आलात मौसीकी तो यहाँ यूज ही नहीं, कंप्यूटर के अंदर से आवाज़ आ रही है, उसके अंदर जो है वो कहते हैं सॉफ्टवेयर ऐसा डाल दिया है तो वो आवाज़ आ रही है, आला मौसीकी मौजूद नहीं। भले मौजूद ना हो लेकिन वो आवाज़ जो है वो आवाज़ चूँकि वो फुसाक फुजार के आले ही से निकलना वो उनका शियार बन गया है, लिहाजा इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ममनू करार दे दिया। अब किसी भी जरिए से आवाज़ वो उस तरह की निकालेगा तो जाहिर है कि वो आलात मौसीकी ही का इस्तेमाल होगा, बल्कि दूसरे लफ्ज में यूं कहें कि वो उसका मुंह ही वो आला मौसीकी बन जाएगा कि जिससे एक नाजायज और ममनू आले मौसीकी आवाज निकलती है, तो उस तरीके से गाना भी जायज नहीं होगा बल्कि हराम होगा। बहुत शुक्रिया जी।